हुण खबरां विस्तार दे नाल सब तो पहला गल करांगे संजय सिंह की गिरफ्तारी की जिसनों लैके आम आदमी पार्टी वालों लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हुण अरविंद केजरीवाल वालों भी बयान दिता गया है। केजरीवाल ने ईडी की जांच से सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि सबूत ने तो जारी करो, हुण तक कई घोटालिया के इल्जाम लगा के जांच की गई है। अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह नूं बेकसूर भी दस्या गया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच से सवाल खड़े किए ने। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जेकर जांच एजेंसी के कोल संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत ने तो उन्होंने सारे के सामने पेश करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तो इस शराब घोटाले को फर्जी दस रहे हैं। शराब घोटाले में अपनी सरकार के सीनियर मंत्री पार्टी के वड्डे आगुआ की भूमिका बारे उन्होंने कहा कि हुण तक कई घोटालों के इल्जाम लगा के जांच तो हो चुकी है, पर किसी भी जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। इल्जाम लगाए गए ने अरविंद केजरीवाल के वालों। उन्होंने कहा है कि जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जे कोई सबूत है उन्होंने खिलाफ तो सारे के सामने ईडी वालों पेश किए जाने। उन्होंने ईडी की जांच से सवाल खड़े किए ने। लगातार विरोध किया जा रहा आम आदमी पार्टी के वालों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह की गिरफ्तारी का। देखिए पूरा का पूरा ना करे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। सारी जांच करा ली, बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने हजार करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे।